तो हेलो गाइज, तो गाइज क्या आपने उड़ती हुई कार में बैठा है? तो गाइज आपने नहीं बैठा है, तो चलो हम बैठते हैं भाई आज अपने रेंज रोवर कार में। तो भाई अब मैंने स्पॉन कर दिया अपना रेंज रोवर कार। तो गाइज यह कार तो अभी तक हवा में ही है, खैर अब ये नीचे आ चुकी है। ओ भाई कितना औसम था यार, मतलब धीरे से आया। खैर अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। और गाइज न्यूज आया कि भाई वहाँ पे किसी ने पुलिस स्टेशन को तोड़ के भाई अपना न्यू घर बना लिया है। तो गाइज फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। बट गाइज आपको क्या लगता है भाई यहाँ पे किसने कब्जा किया होगा? खैर अपनी कार को यहाँ पे पार्क कर चलो देखते हैं पूरी तरह। और गाइज यहाँ के पुलिस वाले भाई यहाँ पे मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, मतलब आपको क्या लगता है? वो गए तो गए कहाँ, चलो यहाँ पे अपनी कार को पार्क कर उतर कर देखते हैं भाई यह घर है तो है किसका। तो गाइज आपको दिख रहा है यह वही जगह है जहाँ पे भाई हम आकर कैदी और एनपीसी दोनों को मार कर चले जाते थे। तो गाइज मुझे लगता है भाई इसको देखने के लिए हमें मतलब इसके अंदर जाना पड़ेगा। बट गाइज क्या लगता है हम अपनी कार के द्वारा इसके अंदर जा सकते हैं कि नहीं? खैर चलो चलते हैं अपनी कार को ड्राइव करके भाई इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और गाइज देखेंगे क्या ये पुलिस वाले हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चलो ट्राई करते हैं। बट गाइज क्या लगता है ये अपनी कार मतलब हमारी कार इसके अंदर जाएगी या हम इसके अंदर जाएंगे? तो गाइज चलो अपनी रेंज रोवर कार को भाई लेते हैं दीवार के पास और थोड़ा ये राइट लिया और थोड़ा लेफ्ट पीछे करके भाई मतलब बैक करके लेंगे इसके पास, क्योंकि गाइज हमको जाना है इसके अंदर। तो भाई अपना गेट है जो अपनी कार का, उसको दीवार के पास ले जाना पड़ेगा ये खोला में और गया सीधे अंदर। बट ये क्या, तो गाइज हम क्लियर इसको देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे एनपीसी और कैदी और पुलिस वाले मतलब तीनों को तीनों बैठे हैं। खैर मैं लेता हूँ अपना मतलब लैम्बोर्गिनी कार, अब चलते हैं भाई मतलब पीछे वाले दीवार से जाएंगे इसके अंदर। अच्छा। तो गाइज पीछे की साइड तो हमको रास्ता नहीं दिख रहा है, खैर मुझको मतलब यहीं से लेना पड़ेगा अपनी कार को। तो चलो चलते हैं इसके दीवार के नजदीक और अपनी कार को मतलब पार्क करते हैं और वहां से उतरेंगे तो सीधे जाएंगे अंदर। गाइज आपको क्या लगता है मतलब गाइज हम इस दीवार के अंदर चले गए तो क्या हम पुलिस स्टेशन के दीवार के अंदर भी जा सकते हैं कि नहीं? चलो ट्राई करते हैं। बट गाइज वहाँ पे गेट है, शायद हम वहाँ से चले जाएं। खैर ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो गाइज हम इसके अंदर तो आ चुके हैं बट गाइज हमें साफ साफ दिख रहा है कैदी पुलिस वाले और ये एनपीसी। बट गाइज क्या लगता है हम इसके अंदर जाएंगे कि नहीं? चलो चलते हैं। ओ भाई दीवार दिखा, बट ये तो इसका खिड़की है, थोड़ा चलते हैं दीवार के पास। बट क्या हुआ, ओ भाई ये क्या, मैं तो इसके बाहर ही आ गया। तो गाइज मैं इसके अंदर जाने के चक्कर में भाई वहां से बाहर ही आ गया। खैर मैं चलता हूँ लैम्बोर्गिनी के पास। बट ये क्या भाई, ये तो अंदर ही डूब गया पता नहीं कैसे। तो गाइज इस कार को हमको बाहर निकालना है। बट गाइज ये निकलेगा तो निकलेगा कैसे भाई? सोच रहा हूँ मतलब एक कार को स्पॉन करूँ फिर उससे टक्कर मारूँ तो शायद ये बाहर की तरफ आ जाए। लेकिन गाइज आपको क्या लगता है भाई ये अंदर गया तो गया कैसे? देख रहे हो भाई मतलब केवल इसका पार्ट दिख रहा है, वो भाई हिल भी रहा है लेकिन इसके ऊपर चढ़ रहे हैं तब। तो क्या करना चाहिए भाई, हमको अपना सेलफोन निकालकर मतलब रोल्स रॉयल कार को स्पॉन करके भाई टक्कर मारूंगा। तो गाइज चलो स्पॉन करते हैं अपना रोल्स रॉयल कार। तो हमारा चीट कोड है 4x6, तो हमें डायल करा। ओ भाई ये आ गया, लेकिन गाइज ये आते ही भाई मतलब जंप मारता है। तो गाइज ये आते ही भाई इसके ऊपर ही से निकल गया, देख रहे हो गाइज मतलब इसका कुछ नहीं हुआ। खैर इसको मतलब यहाँ पे पार्क कर भाई मतलब लाते हैं क्या, जेएसपी लाते हैं, जेएसपी से मतलब शायद ये निकल सकता है। तो चलो ट्राई करते हैं जेएसपी का चीट कोड 6677। ओ गाइज जेएसपी को स्पॉन करते ही वो चला गया बाहर की साइड। खैर चलो देखते हैं वो गया तो गया कहाँ। बट हमारा घर, ओ भाई ये क्या, यहाँ आ गया है क्या? खैर जिसको छोड़ो, चलो चलते हैं दीवार के ऊपर मतलब यहाँ से चढ़कर देखेंगे। बट गाइज यहाँ से जेएसपी हमारा दिख ही नहीं रहा है। ओ भाई यहाँ पे मैं खड़ा हो चुका हूँ बट यहाँ से गिर ही नहीं सकता कभी, ये क्या।